इसको यूज 4 दिन यूज करने के बाद मैं देख रही हूँ मेरा स्किन जल रहा है, बहुत ज्यादा रेडनेस आ गया है बिल्कुल यहाँ, कि अगर आप बिना जाने आप लगा लो या किसी से सुन के लगा लो बहुत ज्यादा डेंजरस है। मतलब ऐसा नहीं है, आपको मैं जो बताऊंगी वो करेंगे तो उसमें आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने गलती से पूरा फेस में लगा लेगा पिंपल्स ठीक करने के चक्कर में, और होंठ के ऊपर में भी लगा लिया, तो ये बिल्कुल जो क्रीम है अभी पसीना में ना नीचे आके मेरा लिप में भी लग गया, तो वो भी जल गया। पिंपल्स बहुत ज़्यादा है और ठीक नहीं हो रहा, ऐसा बहुत ज़्यादा कमेंट आया है, ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो आपके लिए। अगर आपका फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स का प्रॉब्लम हो रहा है और ठीक ही नहीं हो रहा है, एक के बाद एक निकलते जा रहा है, तो आज मैं जो बताने वाली हूँ जो जो चीज़ के बारे में, बहुत ही सिर्फ दो चीज़ है, सिर्फ दोनों चीज़ आपको, एक है क्लींजिंग और एक है एक क्रीम में बताऊँगी, 100% इफेक्टिव है और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है। अगर आपको पिंपल्स का प्रॉब्लम नहीं है तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है, आप मत देखो, लेकिन जिनको पिंपल्स होता है और पिंपल्स या फिर रैशेस वगैरह बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए आज के वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इससे आपका पिंपल्स कम्प्लीटली चला जाएगा। आज तक मैंने कई तरह का मेडिसिन, मेरा पिंपल्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं कई तरह के मेडिसिन के बारे में आप लोगों से बात की हूँ, आप देख सकते हो मेरा स्किन में अभी पिंपल्स बिल्कुल नहीं है, बहुत कम, मैंने कोई भी मेकअप नहीं लगाया, सिर्फ मैंने लगाया है लैक्टोकलामाइन। ये आपको बेसिक थिंग्स बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि अगर फेस में पिंपल्स हो रहा है या फिर स्किन में रैशेज वगैरह होता है तो कोई भी मेकअप नहीं यूज़ करना है आपको। आपको लेना है तो लैक्टोकलामाइन ले सकते हैं, वीको ले सकते हैं जो कि क्रीम भी है और जो आपका स्किन में मेकअप का जैसा थोड़ा बहुत लगेगा, ठीक है। मेकअप करना बिल्कुल छोड़ दीजिए अगर आपका पिंपल्स बहुत ज़्यादा स्किन में हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं कि एकदम परमानेंटली जब तक आपका स्किन क्लियर नहीं होगा तब तक आप मेकअप बिल्कुल नहीं यूज़ करोगे, ठीक है। तब तक मैं जो बताऊंगी आप सिर्फ दो चीज़ बाय कीजिए और यूज़ कीजिए, ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन मैं मेरे जो YouTube परिवार है उनके लिए मैं मेरा जो एक्सपीरियंस रहता है मैं हमेशा शेयर करती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज ये शेयर करने के लिए, क्योंकि इससे मुझे कहीं, मतलब आप बोल सकते हैं 90% मुझे मेरे स्किन में इफेक्ट हुआ है, और मेरा पिंपल्स इतना होता था वो कहीं हद तक कम हुआ है, कम्प्लीटली नहीं गया है, क्योंकि मैं इसको 4 मंथ यूज़ कर रही हूँ, 4 to 5 months, तो इसके बारे में मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, कहीं पे स्किप मत करना, बहुत इफेक्टिव है ये, 100% काम आएगा। जिनको पिंपल्स है और बहुत ज़्यादा एक्ने प्रॉब्लम है इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो सबसे पहले गाइज आपको फेस क्लीन रखना पड़ेगा। तो गाइज मैं बैठ गई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और बिल्कुल फ्लोर में बहुत ठंडा है, तो इसलिए मैं बैठ गई हूँ। अगर आपको पिंपल्स ठीक करना है सिर्फ दो चीज़ आपको फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन में भी पिंपल्स होते हैं, तो अगर ड्राई स्किन है तो आप ड्राई वाला यूज़ कीजिए, उसमें लिखा रहेगा ड्राई स्किन क्लींजर लिखा हुआ रहेगा, और ये है ऑयली स्किन वालों के लिए जिनका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। तो मुझे, मेरा जो स्किन है कभी ड्राई होता है कभी ऑयली होता है, तो अभी तो समर चला गया है, अभी रेनी सीजन है, तो ये अभी भी मेरा स्किन ऑयली रहता है और मैं हेयर ऑयलिंग करती रहती हूँ, तो इसके वजह से मेरा स्किन ऑयली रहता ही है, तो इसलिए मैंने इसको बाय किया। ये मैं 5 months यूज़ कर रही हूँ, इससे पहले का जो वीडियो था वो 4 months मैंने यूज़ किया है, उसके बाद शेयर किया था, ये 5 months से मैं यूज़ कर रही हूँ और ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी तक हाफ है, ठीक है। ये बहुत कम लगता है, सीटाफिल जो क्लींजर है थोड़ा सा लेना है, लेदर नहीं होगा, इसको आपको दिन में 2 बार लगाना है। मुझे एक प्रॉब्लम हो गया था ये दोनों चीज़ें यूज़ करने से, वो मैं थी मेरा स्किन बिल्कुल जल गया था, इसलिए प्रॉपरली इसको सुनिएगा, अगर प्रॉपर वे में आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो आपका इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि मेरा बिल्कुल होंठ जल गया था, इधर जल गया था पूरा। मैं बताती हूँ दोनों के बारे में, मुझे डॉक्टर ने दिया था पिंपल्स की वजह से, लेकिन मैंने, डॉक्टर ने इतना नहीं बोला था कि 3 बार आप लगाओ या 2 बार लगाओ, बोला इससे फेस वॉश करना और ये मेडिसिन दिया था जो सेकंड वाला मैं बताने वाली हूँ। तो मैंने फिर यूट्यूब में सर्च कर रही थी, क्योंकि सारी चीज़ें मैं यूट्यूब से देखती हूँ कि क्या है, जो भी मैं अप्लाई करती हूँ उससे पहले मैं गूगल में सर्च करके देख लेती हूँ कि सही है क्या नहीं, चीज़ क्या है, सारी चीज़ें। अब क्या हुआ, मैंने एक वीडियो मैंने देखा, उसमें लाखों व्यूज़ है, उसमें बोला कि आप ये वाला जो क्लींजर है
सीटाफिल ऑयली स्किन क्लींजर, इसको आप दिन में 3 बार लगाइए, पूरा फेस में अच्छे से धो लीजिए फेस को, फिर पूरा फेस में आप इसको लगाइए एडापेलेने जेल को, ठीक है। ये बेंजोइल पारोक्साइड है 2.5% और एडापेलेने है 0.1%। पूरा फेस में लगाने के लिए बोला, क्योंकि मुझे पूरा फेस में ही हो रहा था पिंपल्स, तो पूरा फेस में लगाने के लिए बोला, लेकिन कुछ कुछ जगह खाली था, 1-2-3 जगह, ये यहाँ 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 यहाँ, तो मैंने सोचा तो अच्छी बात है। मैंने क्या किया, इसको पूरा 3 बार यूज़ किया, फिर मैंने इसको यूज़ किया, और 4-5 दिन यूज़ करने के बाद पूरा इसको यूज़ किया, 3 बार इसको लगाया, फेस धोया, सुबह एक बार, दोपहर को एक बार, रात को एक बार, और दिन को मैंने क्या किया, इसको 3 बार लगाया, सुबह एक बार, दोपहर को एक बार, रात को एक बार, पूरा। अब देख सकते हो मैंने कितना ख़त्म कर दिया इसको, देखिए बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो मैंने इसको यूज़ 4 दिन यूज़ करने के बाद मैं देख रही हूँ मेरा स्किन जल रहा है, बहुत ज़्यादा रेडनेस आ गया है बिल्कुल यहाँ, और धीरे धीरे क्या हो रहा था ना, बिल्कुल पर्पल कलर जैसा हो रहा था मेरा स्किन, जलने का जैसा होता है ना वैसा। फिर मैं बिल्कुल टेंशन आ गया, हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मेरा पिंपल्स नहीं था और मैंने यहाँ पे लगा लिया। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने क्या किया ना, 2-3 दिन फेस को धोया ही नहीं, जस्ट पानी से धो रही हूँ, पानी से धो रही हूँ तो भी जल रहा है। ये इतना ज़्यादा डेंजरस क्रीम है कि अगर आप बिना जाने आप लगा लो या किसी से सुन के लगा लो, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मतलब ऐसा नहीं है, आपको मैं जो बताऊंगी वो करेंगे तो उसमें आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी फैमिली मेम्बर का कोई बुरा हो, इसलिए मैं अपना चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो उस वीडियो में एक लड़का था जिसने ये डिस्क्राइब किया था कि 3 बार इसको क्लींजर, ये सीटाफिल क्लींजर से फेस को वॉश कीजिए और 3 बार आप बेंजोइल पेरोक्साइड लगाइए। तो मैंने सोचा कि मैंने फिर लगाया, और वो था लड़का, शायद लड़का का स्किन में वो सूट करता होगा या उसका स्किन में कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, और उसका स्किन में बहुत ज़्यादा पिंपल्स था। उसने शेयर किया था अपना वीडियो, इतना इतना सा, तो मेरा तो उतना नहीं था, मेरा स्किन बहुत ही हेल्दी है लेकिन पिंपल्स होते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्या हो गया, फिर क्या हुआ, फिर मैंने 2-3 दिन बिल्कुल जस्ट फेस को ऐसा वॉश किया नॉर्मल पानी से, फिर 4-5 दिन बाद देखा वो हील हो गया, वो धीरे 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 नॉर्मल स्किन में बदल गया, लेकिन पिंपल्स मेरा हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि दिमाग से खुद दिमाग लगाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। फिर मैंने क्या किया, सिर्फ जहाँ जहाँ पिंपल्स है, मैंने देखा कि मैंने पूरा फेस में लगा, पूरा फेस में लेकिन वो वाला चीज़ नहीं हुआ था, सिर्फ इतना जगह में, मतलब ये आई के साइड में बिल्कुल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ये एरिया में बहुत ज़्यादा पिंपल्स भी नहीं होता है। तब मैंने क्या किया, इसको सिर्फ 2 बार यूज़ किया, सुबह एक बार, रात को एक बार सोने के टाइम, और इसको मैंने लगाया, बहुत कम लिया, आपको बहुत कम लेना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पिंपल्स है सिर्फ पिंपल्स के ऊपर जस्ट टच करा दीजिए, इतना सा लीजिए, मैं दिखा रही हूँ कितना है, इतना, ठीक है, इतना इतना लीजिए, जहाँ जहाँ आपका पिंपल्स है सिर्फ वहाँ वहाँ आप इसको लगाइए, और छोटा छोटा पिंपल्स, बड़ा पिंपल्स, और ये लगाने के बाद तुरंत ही 1 दिन के अंदर आपका पूरा दर्द कम हो जाएगा, पिंपल्स का दर्द, और बिल्कुल सूख जाएगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का स्किन उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है जितना यहाँ का है। तो मेरा पूरा यहाँ से पूरा जला हुआ लग रहा था, और ये दोनों आँखों के नीचे जस्ट ये जगह बिल्कुल जला हुआ सा लग रहा, बहुत जलन हो रहा था। तो गाइस इसको अच्छे से सुन लीजिए, इसको सिर्फ 2 बार आप वॉश कीजिए और फेस में कुछ मत लगाओ, अगर पिंपल्स है कोई भी DIY जो भी मैं दिखाती हूँ वो भी मत लगाओ, पहले पिंपल्स को ठीक करो, ठीक है। और अगर कोई ओकेजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मेकअप बहुत ज़रूरी है, तो आप यूज़ कीजिए, नहीं तो नॉर्मल अगर आप कॉलेज जा रहे हो और या फिर ट्यूशन जा रहे हो, घर पर हो, तो आप कोई भी अच्छा वाला सनस्क्रीन यूज़ कीजिए, और नहीं तो लैक्टोकोलामाइन यूज़ करते हैं, नहीं तो वीको यूज़ करते हैं, नेचुरल चीज़ें यूज़ कीजिए, कोई भी मेकअप नहीं, बहुत ज़रूरत है, मेकअप करके जाओ, आके बहुत अच्छे से फेस को 2-3 बार क्लीन करो, इससे पहले आप ऑयल देके क्लीन करो, फिर इससे क्लीन करो, या फिर फेस क्लीनिंग बम है अगर उससे भी आप अच्छे से वॉश कर सकते हो, मतलब फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना, फिर करने के बाद इसको आप लगाओ, इसको आप लगाओ, 100% मेरा पिंपल्स चला गया, और मुझे ये 100% श्योर कि ये आपका भी पिंपल्स चला जाएगा। बस दोनों चीज़ें यूज़ कीजिए, ये जो सीटाफिल मॉइस्ट क्लींजर है इसको लगाने के बाद आपका पिंपल्स सूखने लगेगा, छोटे छोटे पिंपल्स जो बड़ा होने वाला है वो सूखने लगेगा, ठीक है। फिर आप ऐसे ऐसे करोगे वो अपने आप उठ जाता है, या स्क्रबिंग करोगे हल्के से तो वो सूखने लगता है, वो उठ जाएगा,
ठीक है। और उसके बाद आप इसको लगाओ, यहाँ पे तो बिल्कुल मत लगाना, और अगर एक दो पिंपल से जस्ट उसमें टच करा ग्लो, थोड़ा थोड़ा, बहुत कम लगता है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं यूज़ करना। मैं अपने जो खुद का मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए होम रेमेडीज़ उतना जल्दी काम नहीं करता है, और होम रेमेडीज़ मेरे चैनल पे भी है, मैं भी यूज़ करती हूँ, और मुझे सबसे बेस्ट लगता है होम रेमेडीज़। लेकिन मेरा होम रेमेडीज़ आपका टाइम लगेगा, ठीक है। और लगातार मेरा पिंपल्स ऐसा होता ना, दो तीन निकला वो ठीक हो गया, फिर दो तीन निकला फिर वो ठीक हो गया, फिर दो तीन, ऐसा होते रहते थे। तो इसको यूज़ करने के बाद वो नहीं हुआ मेरा। मैं अब क्या करती हूँ, अभी मैं इसको दो बार यूज़ करती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो है पिंपल्स, और दो बार लगाइए सिर्फ जहाँ जहाँ पिंपल्स है उसमें, पूरा फेस में। अगर आप लड़की हो बिल्कुल नहीं, लड़का हो तो भी मुझे पता नहीं, मैंने जो वीडियो देखा था लड़का का वीडियो देखा था, हो सकता है लड़का का स्किन थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, स्मूथ कम रहता है, इसलिए उनके स्किन में हो सकता है सूट किया हो, ठीक है। लेकिन मेरे स्किन में नहीं किया, अगर वो ठीक नहीं होता ना तो मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना वियर्ड लग रहा था दिखने में। तो आप इसको ट्राई कीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए आपका एक्सपीरियंस। मैं अनुसुआ, फिर मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।